संस्कार मिल चुके हैं तो फिर वो कचरा वैसे स्वीकार करे। उसकी दृष्टि जब विराट हो गई है तो विराट दृष्टि को उस सीमा में कैसे बांधेगा। जिसने सूर्य का साक्षात्कार कर लिया है वो फिर किसी जुगनू के चक्कर में क्यों पड़ेगा। प्रहलाद चक्कर में नहीं आया तो परिणाम क्या हुआ कि यह है, लेकिन नेगेटिविटी करती प्रतिक्रिया और यही तुम्हारे घरों में है, यही बड़ी बड़ी राजसत्ताओं में है, यही राजनीति में है, यही कचरा है सबसे बड़ा समाज का। ध्यान देना क्या जो नहीं हुआ तो जो परम प्रिय पुत्र है उसी को नष्ट करने की योजना, और आप सबको मालूम है किस तरह से उसको नष्ट करने की योजना की, सड़कों से डसवाने की कोशिश की, हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, जहर पिलवाने की कोशिश की, पहाड़ से फेंकवाया, क्या क्या नहीं किया, जलवाने की कोशिश की होलिका के साथ, लेकिन बचा। और बाद में जब संधि देखो, बहुत सारे हमारी कथाओं में भी हर जगह बहुत गहरी फिलोसफी है लेकिन उसकी चर्चा आमतौर पर नहीं होती। पहले राक्षस जो होते थे वो बहुत विद्वान होते थे। पहले का कोई राजा आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा, कोई राजा ऐसा नहीं मिलेगा जो वेद वेदांत में पारंगत हो, कोई राक्षस ऐसा नहीं मिलेगा, सब बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करते थे। याद रखें कोई घोटाले वाले नहीं मिलेगा, घोटालों का एक भी इतिहास नहीं हमारे पुराणों में, याद रखना। तो नारायण हिरण्यकश्यप भी विद्वान है लेकिन विद्वत्ता भी दुधारी तलवार होती है। वही विद्वत्ता नेगेटिविटी की दिशा में जाकर के आपका आपको कहीं कमी रखेगी और आपको यह और होगा कि हम तो सब जानते हैं और कहीं के नहीं होगी। इसमें आएगा वो मंत्र जी कि जो अविद्या में है वो अंधकार में है लेकिन जो विद्या में रमा है और भी गहरे अंधकार है। इसी परिषद में तो वो, लेकिन वो नेगेटिव था तो उसको ये लगा कि यदि वही यही सूत्र है। ध्यान देना, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि ये तो अमेरिका है महाराज, यहां तो सभी पढ़े लिखे हैं, अकल के ही जोर पर तो यहां आए हैं, यहां अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। तो अकल की बीमारी खैर आप लोगों में नहीं है लेकिन थोड़ी खतरनाक बीमारी। तो महाराज उसने सोचा कि यदि मैं भी सच्चिदानंद और विष्णु भी सच्चिदानंद, यदि मैं भी ब्रह्म और विष्णु भी ब्रह्म, तो फिर मैं विष्णु से कम क्यों, बिल्कुल कम नहीं है। लेकिन 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 जब हम जब हम कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, तुम भी सच्चिदानंद, यह भी सच्चिदानंद, वह भी सच्चिदानंद, सभी सच्चिदानंद, तो यह सच्चिदानंद की पूर्ण परक व्याख्या हो, इसमें कम और ज्यादा का पैमाना है नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो ही कम ज्यादा का पैमाना आया त्यों हुई सच्चिदानंद रूपी तत्व में कुछ मिलावट हो गई, है ना। तो वो मिलावट कैसी है कि ईश्वर वही ब्रह्म, वही सच्चिदानंद ब्रह्म, जब उसमें माया की मिलावट होती है तो उसे कहते हैं ईश्वर, और वही सच्चिदानंद ब्रह्म जब उसमें अविद्या की मिलावट होती है तो उसे कहते हैं जीव। बात पकड़ में आ गई? तो माया की मिलावट में और अविद्या की मिलावट में फर्क कितना है कि माया की मिलावट के साथ भी ईश्वर उस माया से निर्बंध रहता है, उसके बंधन में नहीं आता, वो उसको जानता है, अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं होता। लेकिन जीव में अविद्या या ज्ञान की मिलावट के कारण वो अपने स्वरूप के बोध से चिर
कृपा हो, स्वयं कृपा करे तो ये मिलावट है। लेकिन तब समय तो सब एक है। अब जैसे मान लो किसी का सर नहीं, मान लो ये मिश्रा है, जज बिहारी मिश्रा, अब इनका बेटा इतने मिश्रा होगा कि इनसे कम मिश्रा होगा? बोलो भाई, ज्यादा नहीं। देखो जो मैं चाहता हूं वो बोलो आप प्लीज, जो मैं कहना चाहता हूं वो, ज्यादा आकर बताने की जरूरत नहीं। मिश्रा इस दृष्टि से, मिश्रा इस दृष्टि से वह उतना ही होगा जितना बाप होगा। देखिए मैं जिस गंभीरता से, जिस आत्मीयता से आपको सुना रहा हूं, प्लीज वैसा ही सुनिए। जिसकी चित्तवृत्ति न रुके वो पापों से बचे। ये बहुत सार्थ बुद्धि का विषय है वेदांत। ये ऐसा नहीं है कोई नेता का व्याख्यान नहीं है। तो सर ने दोनों का एक होगा और वो वैसे ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पिता पिता होगा, पुत्र पुत्र होगा। तो ये जो ब्रह्म शब्द है ये सर नहीं की तरह है, ठीक है ना? वही जीव का और वही ईश्वर का, ईश्वर भी सच्चिदानंद और जीव भी सच्चिदानंद। लेकिन ईश्वर पिता है और जीव पुत्र है, ईश्वर अंशी है और जीव अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हिरण्यकश्यप को लगा कि जब एक है तो कैसे, तो उसे नहीं लगा विद्वान था कि एक फर्क है। कि क्या फर्क है? कि फर्क ये है कि ये जो विष्णु है ये मरता नहीं है, ये मरता नहीं है क्योंकि इसमें माया की उपाधि है, और मैं मरता हूं क्योंकि मुझमें अविद्या की उपाधि है, मेरा जन्म बहुत मृत्यु होता है। तो यदि मैं तपस्या के द्वारा मृत्यु से पार हो जाऊं तो फिर मैं विष्णु, विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सकता हूं। अब देखो ये घृणा है कि नहीं है, ये द्वेष है कि नहीं है? ध्यान रखो तुम साफ सावधान रहो कि तुम द्वेष से संचालित तो नहीं हो रहे हो। यदि द्वेष से संचालित हो रहे हो तो जीवन दो कौड़ी का, ध्यान देना, आनंद से संचालित होकर जीवो। तो नारायण उसने तपस्या के बाद मालूम है ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से जब उसने पूछा तो अमृत का वरदान देना निषेध है। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो नहीं हो सकता। अब उसने क्या मांगा? उसने कहा न मैं भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू। उसने कहा न मैं दिन में मरू, न मैं रात में मरू। उसने कहा न मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से मरू, न मैं किसी अर्थ सत्य से मरू। अब इसमें बड़ी गहरी फिलोसफी है ना? बाबू तो आपने खूब सुनी होगी। क्या फिलोसफी है? देखो कोई भी काम सब कुछ साफ है, स्पष्ट है, यहां कहीं अंदर विश्वास तो है ही नहीं। कोई भी काम हो तो उसमें देश काल और वस्तु, जिसको आप अंग्रेजी में टाइम स्पेस मैटर कहते हो, इन तीन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। देश माने जगह, काल माने समय और वस्तु माने नाम रूप आकार। जैसे ये प्रवचन हो रहा है तो मंदिर में हो रहा है, एक देश है, और एक समय में हो रहा है, सामने घड़ी लगी है उसके हिसाब से, और आप लोग इसमें जड़ और चेतन वस्तुएं हैं, आप श्रोता हो नाम रूपाकारधारी, मैं होता हूं नाम रूपाकारधारी, और ये चेतन वस्तुएं और ये तमाम जड़ वस्तुएं, स्पष्ट है कि नहीं? इसके बिना कोई काम हो सकता है? बिना देश के, बिना काल के, बिना वस्तु के, न किसी का जन्म इसके बिना हो सकता है और न किसी की मृत्यु इसके बिना हो सकती। अब देश का जो विभाजन है वो कैसे होता है? ऊपर नीचे भीतर बाहर। मैं ऊपर बैठा हूं आप नीचे बैठे, कोई भीतर है कोई बाहर है। उसने कहा मैं न ऊपर मरू न नीचे मरू, न भीतर मरू न बाहर, इसका मतलब किसी देश में ना हो, ठीक? उसने कहा न दिन में मरू न रात में, तो दिन जो काल है उस
उसका विभाजन दिन रात में होता है, इसमें तो मैं शिकार नहीं हो। उसने कहा मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से न मरू और किसी अस्त स्वर्ग से न मरू। नाम रूपाकार दो ही तरह के हैं, या तो परमात्मा के बनाए हुए, प्रकृति के बनाए हुए, या जीव के बनाए हुए। ध्यान से सुनना। तो जब उसने कहा कि मैं इसे न मरू तो इसका मतलब उसने वस्तु का निषेध कर लिया, मैं किसी वस्तु से न मरू। तो देश काल वस्तु तीनों का निषेध हो गया, स्पष्ट हुई बात की नहीं, ये फिलोसफी है उसमें, है ना मजेदार बात। ऐसे नहीं है, हमारे भागवत में भी ऐसी कथाएं नहीं है कि हवा हवा हवाई हो। अब इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी बात है, क्या तुलसी की चौपाई सुनी होगी, जड़ चेतन ग्रंथि पर गई जगत विमशा छूटक कठिन। ये जो ग्रंथि है, ये जो संधि है, ये जो मेल है, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अभी देखो फोन में मास आ रहा है, ये आचार्य इनसे पूछना, ये बताएंगे आपको, देखो छोटा मास आ रहा है, वो वर्ष में एक शून्य मास होता है, वो उनका उसी संधि है। इसी शून्य मास में ही मारा था नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को। तो वर्ष में ऐसा मास जो गणना के बाहर है, फिर क्या बन गए नरसिंह, न ब्रह्मा ने बनाए, ब्रह्मा ने या तो फेर बनाया या मनुष्य बनाया, और मारा कैसे, नाखूनों से, कोई अस्त्र नहीं। कहां मारा, दहलीज में, भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, और दहलीज में बैठ के जांघों के ऊपर रख लिया, ना ऊपर ना नीचे। ये संधि संधि संधि, हम सब कान खोल करके इस बात को समझ लें, संधि भी हमारे जीवन में बहुत महत्व की चीज है। इसलिए जब भी संधि कहीं भी, बेटी विदा होती है कैसा लगता है बोलो, बहू घर आती है कैसा लगता है, जब बहू पहली बार घर आती है तो दुनिया में कोई साथ ऐसे नहीं तो भूल में कोपा ना हो जाए, बाद में भले ही झगड़ा हो। यद्यपि ऐसा नहीं जैसा टीवी दिखाता, सासें बहुत अच्छी होती, ये संधि का खैर। मेरा विषय यह है कि नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को उन्होंने समाप्त किया। उसकी चर्चा मैंने इसलिए की कि वेदांत में भी, ज्ञान में भी, समझ में भी, विद्वत्ता में भी कहीं हम नेगेटिव न हो जाएं। यदि नेगेटिव हो जाएंगे तो यह आसो वेदांत कहलाता है। कई वेदांत हम जानते हैं, हम ब्रह्म है, अरे तेरे तू कहते हो ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब कि ब्रह्मातिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, मुझे सही, यह समस्त ब्रह्म है, यह ब्रह्म को है। यदि तुम अपने को सिर्फ ब्रह्म मानते हो और तुम्हें ब्रह्म के अलावा कुछ भी अभी समझ में है तो इसका मतलब अभी तुम अभी और पढ़ोगा से कबूतर। इसलिए नारायण, लेकिन यही पहला जब हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने समाप्त कर दिया और प्रहलाद को उन्होंने उठा लिया, उसको चाटने लगे, क्योंकि अपने ढंग से तो प्यार करेंगे ना, और उससे कहा बेटा वरदान, तो प्रहलाद क्या कह रहा है, प्रहलाद कहता है मुझे कुछ नहीं मानता, नहीं बेटा तुम्हें मेरे कारण बहुत कष्ट हुआ है ना, मुझे कभी भी, प्रहलाद क्या कहता है, मुझे जीवन में कोई क्षण स्मरण नहीं है कि मुझे कष्ट हुआ। देखो प्रहलाद, मैंने अभी भी आपका डीएनए क्या बताया, सत चित और आनंद, ये जितने हमारे भक्त हैं, जितने ज्ञान ज्ञान के प्रतीक हैं, ईश्वर के स्वरूप हैं, उन सब में किसी न किसी में तीनों सत चित आनंद में किसी न किसी की प्रतिष्ठता है। प्रहलाद माने जिसमें आह्लाद की यानी आनंद तत्व की प्रकृष्टता हो। राधा आराधिका साराधिका, आराधिका साराधिका यानी जिसमें आनंद तत्व की आह्लादनी शक्ति वो स्वयं नारायण की है। देखो इनका जो ये तिलक है ना हमारा, ये अब इसमें फिर घुसूंगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा,
पहला माने जहां आनंद तत्व की प्रकृष्टता है, जहां आनंद आनंद आनंद। तो इस वेदांत का लाभ क्या है? वेदांत का लाभ यह है कि इतना बड़ा से बड़ा कष्ट हो जाए लेकिन आपके आनंद में बाधा नहीं पड़ सकती, यदि आपके अंदर वेदांत का दीप जल गया है। और वेदांत के दीप का मतलब क्या है कि सब मुझमें, मैं सब में, सब परमात्मा में, परमात्मा सब में। पहला कहता है मुझे कोई क्षण याद नहीं है जब मुझे कष्ट हुआ, लेकिन आपको असीम से ससीम होना पड़ा मेरी वजह से। कृष्ण भगवान ने कहा प्रहलाद मेरी आज्ञा है तुम्हें वरदान मांगना पड़ेगा। तो प्रहलाद ने मालूम है क्या मांगा? प्रहलाद ने कहा यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पिता का सर्वविध कल्याण। आप सोचो कान खोल करके हमें समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, यदि हमारे दिल में गंदगी है दुनिया को दोष न दें। दुनिया नहीं तो बाहर की बुरी दुनिया हमें हमारे नुकसान नहीं करती, जब हम अपने दिल को बुरा करते हैं तो हमारा बुरा दिल हमें इफेक्ट करता है। अभी आज एक सज्जन मुझसे किसी की बुराई करने लगे, मैंने कहा भैया चुप रहो, क्या फायदा अपना दिल गंदा करने से, कौन क्या है कहां है। मैं आपको भी कह देता हूं, देखो दो मिनट रहूंगा, इसलिए कि ये बुराई बहुत हम करते हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अपनी बात आपको बताना चाहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सावधान हो जाएं। उदाहरण अपना दे रहा हूं, हमने हरिद्वार में एक जगह ली, जगह बहुत अच्छी है, वो माफिया उसमें लग गए। पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को हम वहां जाते हैं रात 10 बजे, 10-12 दिन वहां रुकने का था। दूसरे दिन 13 अक्टूबर को प्रातःकाल हमारा मन उचटता है, लेकिन उसके बाद भी हम जाते नहीं, लेकिन दिल्ली संघ कार्यालय से हमें फोन आ जाता है कि आपको किसी यदि समय हो तो जरूर आ जाइए, कुछ खास चर्चा है। हम दिल्ली संघ कार्यालय चले जाते, वहां रात हो जाती है और वहां से जब वापस होते हैं तो ड्राइवर कहते हैं तो चल वापस। चल वापस का मतलब हमारे चित्र में था कि चल हरिद्वार, लेकिन क्योंकि हमारा कुरुक्षेत्र में भी आश्रम है उसके लिए कुरुक्षेत्र सरल था। वो कुरुक्षेत्र जब जीटी रोड में आपने कहा कुरुक्षेत्र आ गया, तो कहते दूरी आपने कहीं नहीं आती तो हम तो कुरुक्षेत्र चले। अब वहां आ गए, 15 अक्टूबर को वहां से एक लड़की का फोन आता है, मैं आपकी बेटी हूं, बड़ी दुखी हूं, पति ने परेशान कर रखा है, प्लीज आप मुझ पर कृपा करें। मैंने कहा बेटा अच्छे घर की बेटियां अकेले नहीं जाती, तुम जब मेरी बेटी बनती ना तो तुम कभी देवता के साथ मुझसे मिलना ये संभव नहीं। मैं रुक जाता बेटा, नहीं हमारे आश्रम में एक अकेले स्थिर नहीं हो सकती, मैं यहां बाहर कहीं भी 3 दिन रुक लेती हूं, प्लीज आप आ जाए। मैंने कहा नहीं मैं यहां नहीं आ सकता, जैसे करुणा तो आ रही है लेकिन अंदर से जैसे कोई कुछ कहलवा रहा हो। और फिर एक दिन बाद वही लड़की वहां आती है, आश्रम के मंदिर में जाकर के दर्शन करती है, आश्रम में चाय पीती है और थाने में जाकर के रिपोर्ट कर देती है कि मैं उस आश्रम में गई और मेरे साथ उस पर ये था। अभी जाकर के वो सारे प्रमाण है, अदालती FIR सब कुछ है। और लेकिन ईश्वर की लीला यहां मुझे मैं बचा, दूसरी ईश्वर की लीला कि उस समय मंदिर में जो नौजवान संत बैठा था भगवान की तरफ मुंह करके ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था, वो तो पीछे से उसने उसको देखा और उस क्योंकि कैमरे लगे थे तो उसने सोचा अंदर यहां मैं आगे और ये तो पीछे से उसने देखा, उसी का नाम पूछा कृष्णानंद और वही नाम वहां उसने FIR में लिखवाया। पुलिस तुरंत आ गई, सबको ले गई, आश्रम में ताला डाल दिया, कानून है। और फिर पुलिस ने पूछा हां कृष्णानंद कौन है, कि ये है और वो है जन्म से ब्लाइंड। पुलिस ने कहा अरे ये तो सूरदास है, तो उसके मुंह से निकला एकदम से झूठ तो झूठे ही है, एकदम उसे निकला कि अरे उस समय तो खूब दिखता था, बस
सारी दुनिया चिल्ला उठी, वहां तो इकट्ठे हो गए लोग चिल्ला उठी, अरे फ्रॉड है फ्रॉड है फ्रॉड है। मुझे फोन आया, मैंने एसपी को फोन किया कि तुमने पैसा लिया है तो समझ ले खैर नहीं तुम्हारी, और यदि नहीं लिया है तो जाकर के निर्णय करो। उसने कहा महाराज, उसके शब्द बता रहा हूं, उसने कहा महाराज हरिद्वार में रहते रहते, देखो ये हम सब की का हो गए बोला, हम सब निगेटिव हो गए आज की स्थिति में अपना विवेक बिना लगाए। उसने कहा हम हरिद्वार में रहते रहते मेरी संतों के प्रति भी श्रद्धा समाप्त हो गई थी और ईश्वर को भी मैं नास्तिक हो गया था, ईश्वर की भी श्रद्धा समाप्त हो गई थी, लेकिन आपकी इस घटना से मुझे संत पर भी श्रद्धा हो गई और ईश्वर पर भी हो गई, क्योंकि आपको केवल ईश्वर ने बचाया। यदि आप यहां होते तो हम आपको आज इस समय तुरंत बिना कुछ पूछे सबसे पहले आपको अंदर करते और फिर जीवन भर आप बाहर नहीं निकल सकते थे, उसकी शब्द है। और यदि आप अंदर होते तो अब तक पचासों मीडिया में आ चुका होगा और पचासों लोग आपके खिलाफ दवाइयां लेके मीडिया में पहुंचे। इसलिए इसलिए नहीं कह रहा हूं किसी को आप कुछ करें, लेकिन न किसी को क्लीन चित दो तो किसी को दोष क्या। आप किसी को जब खाम खामोश मानते हो, अपराधी को भी यदि आप अपराधी मानकर मानोगे तो आपके चित्त में अपराधाकार वृत्ति बनेगी। यह नियम है, लॉ है, मास्टर लॉ है। हम जब भी किसी के बारे में कुछ सोचते हैं तो हम तदाकाराकारित होते हैं, बिना उसी आकार की अपनी वृत्ति बनाए हम उसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते। बुराई सोचेंगे तो हमारी वृत्ति को हमें बुरा करना ही पड़ेगा। मैंने कहा यार ऐसा है, मैंने कहा अच्छा तो इस समय तो मान लो बोले महाराज आपके दो आश्रम हैं, तो जब आपके इतने दुश्मन हैं तो जिसके 2000 आश्रम हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं अपने दिलों को गंदा करने से बचाए। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, शरीर और शरीर के संस्कार ज्यादा बड़ी चीज है कि हमारी आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप ज्यादा बड़ी चीज है। एक दूसरा, कोई भी बच्चा बुरा से बुरा जब पैदा हुआ होगा तो परमात्मा ने उसे सच्चा बना के भेजा कि नहीं भेजा। याद रखो सच्चाई, पॉजिटिविटी, सत्य, धर्म, नैतिकता, ये जितने पॉजिटिव वैल्यूज हैं ये सब के सब हमें परमात्मा से मिले हैं। बुराई हम यही अर्जित करते हैं जो कभी भी स्थायी नहीं होगी। खैर तो मैं वाणी को विराम देते हुए कब चलता हूं, इसलिए प्रहलाद ने कहा मेरे पिता का सर्वविध कल्याण हो। अब प्रहलाद से कितनी शत्रुता उसने निभाई थी, फिर भी उसने कहा, उसने अपने धर्म का पालन, क्यों पुत्र का धर्म क्या है, नरकार प्रायती की पुत्र है, जो पिता की सर्वविध रक्षा करता है, सर्वगति की चिंता करता है वो पुत्र है। प्रहलाद ने वो चिंता की, प्रहलाद का उसके आचरण का प्रहलाद पर कोई असर नहीं पड़ा। हम इस धरती पर रहकर पूर्वन्य में कर्मणि का मतलब वही है कि हम इस धरती पर रहकर अपने कर्तव्य की चिंता करें, अपने ज्ञान से अपने विवेक उसको तलाशें और उस विवेक से प्रेरित होकर अपने कर्तव्य का निर्णय करें और अपने जीवन का निर्माण करें। किसी से निगेटिव ही नहीं तो इफेक्टेड होना ही नहीं चाहिए। ध्यान दें ये स्थिति हमारी रहे और जैसे उसमें उसके अंदर घृणा नहीं आई और आज उसका नाम लेते हैं। यदि हमारे अंदर घृणा होगी, हमारा दिल गंदा होगा तो कभी भी हमें न भक्ति मिलेगी, न ज्ञान मिलेगा, न धर्म मिलेगा और हम शुद्ध हृदय में ही ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। इसलिए यह जो सूत्र है ये हमें इस घृणा से बचने का संकेत नहीं करता। ये घृणा संभव ही नहीं है यदि हम सत्य पर हों, और यदि हमारे अंदर ईर्ष्या राग द्वेष है तो इसका मतलब अभी हमारी बुद्धि भी ठिकाने नहीं है। हम सत्य के बारे में नहीं जानते, उसको जाने, अपने हृदय को पवित्र करें और इस कचरे से मुक्त होकर आगे बढ़ें तो हमारा देश और समाज भी सुधरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आंग्रोपासना द्वारा कर्तव्य वाणी को विराम देता हूं। शिवोहम 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 अमरात्मा सच्चिदानंदमय
सभी प्राणियों का वही आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 जिसे शास्त्र काटे नाग्नि जलावे, जलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, जिसका ज्ञान अर्जुन ने हरि से था पाया, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 अमर आत्मा है विनाशी है काया, जो सत्वात्मा है सभी में समाया, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 है चंद्र में सूरज में आभास जिसका, है तारों में बिजली में प्रकाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 नहीं तीनों कालों में हो सभी प्राणियों के है घटवास जिसका,